नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली कूच करने पर अड़े किसान, चंबू बॉर्डर पर बढ़ा बवाल। दिल्ली जाने पर किसान अड़े हैं पुलिस से, चंबू बॉर्डर पर किसान भिड़ गए, हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंबू बॉर्डर पर हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली जाने पर किसान अड़े हुए हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और देखिए जरा किस तरीके की स्थिति शंभू बॉर्डर पर। अब ये स्थिति कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर पर और ज्यादा चिंतित होती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान किस तरीके से अब दिल्ली कूच की तैयारी पर अड़ गए हैं। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर क्या हालात हैं। किसान आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है, इससे पहले चार दौर की बातचीत विफल हो चुकी है। किसान और सरकार के बीच में चार दौर की बातचीत चली, लेकिन ये बातचीत विफल रही। चौथी दौर की बातचीत में सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर, पांच फसलों को लेकर कुछ एक प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन उस प्रस्ताव पर किसान संगठनों की तरफ से सहमति नहीं जताई गई। और अब दिल्ली कूच की तैयारी में किसान नजर आ रहे। देखिए जरा आंसू गैस के गोले छोड़े गए वहां पर। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, बीच में है बैरिकेड। किसान शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की तैयारी में, तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान, प्रशासन की टीम रोकने पर मोर्चा संभाले हुए है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जरा पांच तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान मशीनों के साथ डटे हैं, जेसीबी जैसी मशीनें भी दिख रही हैं। इसके अलावा किसानों का दिल्ली मार्च जारी है, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की भी तैयारी है। अपनी मांगों पर अड़े किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन उन्हें रोकने के लिए तैयार है। आज शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए। उधर किसान भी ट्रैक्टर और पोकलेन मशीनों के साथ प्रशासन का मुकाबला करने को तैयार है। लगातार बवाल बढ़ता हुआ जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर की रिपोर्ट आप देखिए। पर जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। आप देखिए जो बोरियां हैं उनको गीला यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जब टीयर गैसेस वहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस से फेंकी जाएंगी, तो उनको, उनके धुएं को रोकने के लिए जो है वो बोरियां यहां पर गीली की जा रही हैं। तो ये तैयारियां हैं जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और उन्हें जो है कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारियां यहां पर की हुई हैं। आप देखिए बोरियां यहां पर गिली की जा रही हैं पानी के माध्यम से। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो आप देख रहे हैं बड़ी सी जेसीबी मशीन जो आपको यहाँ पर दिख रही है, पैरामिलिट्री फोर्स जो आपको दिख रही है, ये हरियाणा की तरफ से है। और वहाँ पर भी तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान आगे ना बढ़ें, लेकिन किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आगे जाएंगे। ये तस्वीरें हैं आप देखिए शंभू बॉर्डर की, एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो दूसरी तरफ किसान है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं। आएंगे, अब देखना होगा जब किसान आगे बढ़ते हैं तो किस तरह का माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से 13 तारीख को जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो टीयर गैसेज और रबड़ बुलेट उनके ऊपर चलाई गई थी, तो ये शंभू बॉर्डर का नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको कर रहे हैं। आप देखिए मास्क जो है वो टीयर गैसी से बचने के लिए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो आप देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये शंभू बॉर्डर की हैं। एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो पुल पे आपको दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ किसान है। और यहीं पर जो है वो किसानों को यहाँ पर रोका गया था, और अब देखना होगा कि जब किसान आगे बढ़ते हैं और तो किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनको यहाँ पर रोकती है, क्या टीयर गैसेज और जो बुलेट की है, रबड़ बुलेट हैं या द्वारा आज चलाया जाता है, ये अब देखना होगा।